अगले जो X3 और X4 के अगला है ना, तकरीबन 10वां 11वां है ठीक। सर मैं आपके सामने लेवर एक्टिवेट करूंगा, मेरी मजबूरी है ना, मैंने करने हैं, क्योंकि मेरे सब पीछे नीचे जो टीमें हैं वो इतनी तेज उठ रही है कि मुझे करना पड़ेगा। इसलिए यार अगर हम बड़े बड़े स्टार्ट पे जा रहे हैं तो आप भी हिम्मत करके कोशिश करके ना सर 160 तक लेवर को ले जाए। आपको पता है बहुत सारे लीडर बैठे हैं अभी, आप सर ना करें, आप ऐसा करें लेवर कोई भी एक्टिवेट ना करें, थोड़ा सा वेट कर ले, जब NFT लॉन्च हो गया उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछना है कि सर क्या हुआ, सर पकड़ के ग्रुप में बैठोगे सर ये हो गया। इसलिए यार जो रिक्वायरमेंट है ना, हमने फारसिंग के अंदर ही काम करना है, हमने कहीं भी नहीं जाना। तो जब ये हमारा एक बिजनेस है तो इस पे अगर पैसा लगाती हो तो मुश्किल किस बात की। इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोगों के 40 तक लेवल एक्टिवेट है, सर ये 80 वाला भी करें, सर ये 160 वाला भी करें। और आपको पता है NFT के अलावा जनाब ये आपको और भी बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। इन चीजों को आपने पिक करना है और आपने कोशिश करनी है कि इतने लेवल आप लाजमी एक्टिवेट कर ले। उनको भी इंशाल्लाह माइक देते हैं। अच्छा अभी वही लोग कमा रहे और इनके माइक अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। बाकी शहजाद करीम आए हैं, आपसे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, सबसे पहले तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग जो है वो जितने बड़े स्लॉट्स होंगे उतनी बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लॉट आप जितने परचेज कर सकते हैं उतने करने चाहिए, क्योंकि जब दरवाजे खुले होंगे तभी अर्निंग आएगी। जब आप ये सोचें कि जनाब आप एक एक दो दो स्लॉट ओपन करके और जो है वो लाखों की गेमों में चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसमें मैं 100% एग्री करता हूँ। सर दूसरी चीज, मेरा एक सवाल है विद योर परमिशन मैं अगर करना चाहूँ कि सर जाहिर है आप सीनियर हैं, बहुत सारी कम्युनिटी का जो है वो ये सवाल है, मेरा अकेले का सवाल नहीं है। मैंने इस पे, मैंने भी अपनी जहां तक थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च है मैंने वो की है सर, तो मैंने जहां तक मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ उसका निचोड़ मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की है सर, मे भी आपने देखी है या नहीं देखी, आई डोंट थिंक। तो सर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मुझे इस पे थोड़ा सा बता दे, ये 10-10% वाला जो सीन है मंथली या जो 6-6 स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट है सर, ये किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो आपने यानी कि इंश्योर किया है, कहाँ से सर आपने जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट जज की है? मैं बताता हूँ सर, ये ना रात मीटिंग थी जिसके अंदर मुकेश सर थे, कुलदीप सर थे, रविंद्रा सर थे, शायद आप भी उधर होंगे, क्योंकि वो मीटिंग का लिंक मैम रोशनी के ग्रुप तक आया है और टीम ग्लोबल 4 के ग्रुप तक भी आया है। सर उस मीटिंग में तकरीबन मैं 20 मिनट बैठा हूँ, वहां पे जो बातें हुई हैं वो सारे क्लियर कट ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि जी इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ना वो 160 डॉलर तक 160 तक होनी चाहिए। बाकी आपने कहा कि सर इसकी जो ना ऑथेंटिक न्यूज कहाँ पे है, कोई हमने मतलब कहीं लिखा नहीं देखा ना कहीं हमने। अच्छा सर अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, कौमी असम्बली है ना सर, अभी एक आपको उस दिन आप सभी बंदों ने स्टेटस लगा दिए थे उठ के ना कि एक बात हुई थी कौमी असम्बली के अंदर, सर जी जो बात की जाती है, शहजाद भाई आप उसको ऑथेंटिक समझेंगे या उसको मजाक समझेंगे? असेंबली के अंदर सर बहुत सारी बातें होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है, मेरी जस्ट आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है जो आप अब वो जो मीटिंग थी ना सर, जो बात जी जी जो बात सर कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूँ। बाकी आपने कहा था जी इसके अंदर ना ऑथेंटिक चीज होनी चाहिए, जैसे कहाँ से हमने पढ़ा, हमें हमारे मेंबर हमें फॉर्म से पूछते हैं कि भाई ये कहाँ है, आप लोग दूसरे दिन मीटिंग रख के कह देते हैं, इसकी कोई ऑथेंटिक चीज ला के सामने रखे ना कि ये देखें भाई यहाँ पे लिख दिया गया है या फलां वेबसाइट के ऊपर या फारसी के किसी के स्टेप के ऊपर लिखा हुआ है। तो सर वो वाली जो चीज है वो इंशाल्लाह रात मैंने उनसे कहा भी था, ये आपके सवाल करने से पहले मैंने उनको कह दिया था, मुकेश मेहरा सर को भी कह दिया था कि सर बातों को बहुत ना ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने कहा कि जारी बात है वो हमारी टीम हमसे पूछती है कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है हमें बताएं तो सही ना। मैंने कहा लोगों ने ट्रस्ट वैलेट के अंदर डॉलर रख लिए, शहजाद साहब लोगों ने ट्रस्ट वैलेट के अंदर डॉलर भी रख लिए हैं, BNB भी रख लिए हैं, लेकिन वो इसी बेस पे वो मतलब एक्टिवेट नहीं कर रहे। जैसे आपने सवाल किया है कि सर ये वाली चीज कहाँ आपने कहे देखी है,
कि हम भी देखें, हमें भी मतलब 100% श्योरिटी हो। तो कुछ काफी सारे लीडर ये भी समझ रहे हैं कि पता नहीं यार ये बस उड़ती उड़ाती बात है कि हम लीवर एक्सपेक्ट करके बैठ जाएं, बाद में जनाब शायद NFT आए ना। ये चीज है ना आपका सवाल सर? नहीं सर, मेरा जस्ट जस्ट फॉर